हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। में ये देखिए, आज मैं आपको बनाने में तरी हरी सब्जी, सेम की सब्जी। देखिए, इसे बहुत स्वादिष्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आप भी ट्राई करना। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखिए, हरी सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी होता है सर हमारे लिए। चलिए, हम आज आपको इसका सब्जी बनाएंगे। मैंने इसे तोड़ के इसको बना लेंगे हम चाकू की मदद से। मैं इसको काट के छोटे छोटे टुकड़े में कर ली हूँ और आपको भी इसी तरह से कर ली हूँ। अब मैं बता दूँ आपको, ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, पहले ही कढ़ाई चढ़ा कर मैं इसमें तेल गर्म होती रख दी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी सेम, जो 5 मिनट भी हो चुके हैं, गैस में से भून लेंगे और अच्छे से जब ये भून जा जाएगा तो अच्छे से भून लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सेमी को लाल करके रख लिया है। ये देखिए, सेमी को मैंने ब्राउन होने तक खूब अच्छे से भूंजा है और मैं कढ़ाई में कढ़ाई में तेल अब ऐड करूँगी। मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा, मैंने आलू के छोटे रख लिया था। पकाऊंगी और ये देखिए, मैंने फिर बर्तन मसाला पीस रही हूँ। फिर बर्तन में मैंने लहसुन मिर्च और प्याज का पेस्ट बना रही हूँ। दोस्तों, 10 मिनट में डाल पूरा ब्राउन कलर का हो गया है, कलर चेंज हो गया है। और मैं इसमें डालूंगी जो मसाला मैंने पीस कर रखा था। फिर बर्तन में मसाला पीस के बनाती हूँ सब्जी, डाल दूंगी। मैंने मसाला में लिया था लहसुन, प्याज, हरी मिर्च के दो, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट मैं बनाऊंगी। मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी यहाँ मीडियम साइज टमाटर, मैं इसमें डाल दूंगी। चला दूंगी, डालूंगी सब्जी। मिर्च का पेस्ट, सब्जी मसाला 1 टी स्पून डाल के मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करूँगी, मैं इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ा। और इसको थोड़ा फूल फ्लेवर कर दूँगी और फ्लेवर करके मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। देखिए, मैं इसको चला के और पानी में डाल लेंगे इसमें, ताकि ये टमाटर जो है ये हमारा गल जाए अच्छे से और मसाला भी अच्छा से भून जाए, मसाला भी अच्छा से फ्राई हो जाए। तब तक मैं 5 मिनट में इसको रेस्ट कर दूँ। 5 मिनट में इसको धीमा फ्लेम में बनाऊंगी। 5 मिनट बाद हम इसको ढक्कन खोल के इसको अच्छे से चला लेंगे, फिर हम इसको ढक्कन खोल के 5 मिनट पकाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने 1.5 मिनट बाद 10 मिनट तक मैंने मसाले को भूजा, मसाला थोड़ा अच्छा से मैंने कलर भी चेंज कर दिया है और मसाला भून चुका है और आलू भी गल गया है। मैं इसको ऐड
एक गिलास पानी डालूंगी चला के देखिए कितना टेस्टी सब्जी बन चुका है, टेस्टी से सब्जी बन गया है। अब हम इसको उबालने देती हूँ अच्छे से। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए हो गया है। अब मैं इसको बाहर आने देती हूँ, मैं इसको ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 2 मिनट बाद मैं इसको पेज बंद करके सर्व कर लेंगे। और इसको हम पूरी सब्जी या पूरी रोटी या चावल के साथ सर्व करेंगे, खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करना गाइस। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे वीडियो को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।